भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और कोई कंट्रोवर्सी ना बने, ऐसा तो बहरहाल नामुमकिन है। जी हाँ, कल T20 विश्व कप मुकाबले में भारत को मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर चिंगारी भड़की है, और ऐसी वैसी चिंगारी भी नहीं, शायद वो चिंगारी जिसकी आग में कई शामियाने जलाए जा सकते हैं। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान से 10 विकेट से मिली हार के बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर गद्दार बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत पाकिस्तान मैच के आखिर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 3 ओवर में 17 रनों की जरूरत थी और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शमी को गेंदबाजी करने को कहा था, लेकिन शमी के एक ही ओवर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया, जिसके बाद मोहम्मद शमी पर लोग आग बबूला हो गए और उन पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे। अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने भी भारत की पाकिस्तान से हुई हार पर आपत्तिजनक बयान दिया और बगैर नाम लेते हुए मोहम्मद शमी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लाख मेहनत के बावजूद रॉ और आईबी भी इतने गद्दार ना ढूंढ पाती जितनी आसानी से एक क्रिकेट मैच नहीं ढूंढ निकाले। हालांकि मोहम्मद शमी के बचाव में भी ट्वीट किए जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा है कि मोहम्मद शमी पर ऑनलाइन हमला बेहद चौंकाने वाला है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वो एक चैंपियन है और जो कोई भी भारत की टोपी पहनता है उसके दिलों में भारत ही होता है। हम आपके साथ है शमी, अगले मैच में दिखा दो जलवा। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शमी के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि शमी को निशाना बनाया जाना मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और घृणा को दिखाता है। क्रिकेट में या तो आप जीतते हैं या हारते हैं। टीम में 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम खिलाड़ी पर ही निशाना साधा क्यों जा रहा है? ओवैसी ने भाजपा सरकार से पूछा है कि क्या वो इसकी निंदा करेगी। ओवैसी साहब की बात काफी हद तक सही भी है। चलिए अब आपको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच का एक वाकया याद दिलाते हैं। उस वक्त भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए थे और मैच हारने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तभी कुछ पाकिस्तानी फैंस ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव किया वो बर्दाश्त के बाहर था। तब भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सके और पाक फैंस के पास जा पहुंचे, लेकिन तभी वहां धोनी भी आ पहुंचे और शमी को अपने साथ ले गए, वरना उस पाकिस्तानी को शमी के गुस्से का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता था। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे देशभक्त की तौहीन करना कहां तक सही है, ये एक बड़ा सवाल है।